In this video, we will study about helminthic disorder. Helminth means disease. These helminth disease generally caused by worms. When we talk about these worms are of two types. One are known as flatworm and second is known as roundworm. These flatworms belongs to the group platyhelminths and roundworms belongs to the group nematodes. In our syllabus, the disease related to only the nematode. So, first disease we are taking ascariasis. This ascarias disease generally caused by Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides. और ये डिजीज जनरली छोटे बच्चों में, जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उन बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा ये डिजीज पाई जाती है. तो मिट्टी के खाने से ये डिजीज बॉडी में कैसे ट्रांसफर होती है? जनरली अफेक्ट्स चिल्ड्रंस having the habit of eating soil and clay. और बॉडी में किस तरीके से ट्रांसफर हुई कि the soil and clay consist of the eggs of soil and clay consist of eggs of Ascaris. Ascaris के eggs उस soil या clay में present होते हैं and these eggs are the fertilized eggs. When they enters the body of any children, they get hatched from the fertilized condition. After that, the new Ascaris comes out of it. So in this condition, these eggs of the Ascaris further complete its life cycle into the body so that it can be changed into the Ascaris. और इन Ascaris से बॉडी के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट वन इज, इसमें हम बात करते हैं कि जब Ascaris बॉडी के अंदर एंट्री कर रहा है तो बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है. जनरली इफेक्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन. इट अफेक्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन पर सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट कॉज करता है. और किस तरीके के सिम्टम्स पेशेंट के बॉडी में नजर आएंगे? सिम्टम्स में जनरली फर्स्ट वी कैन से एब्डोमिनल पेन. सेकेंड इंडाइजेशन. थर्ड डायरिया एंड डिस्कम्फर्ट की फीलिंग उस पेशेंट को बनी रहेगी. तो इस तरीके की कंडीशन अगर एस्केरिसिस डिजीज से कोई भी पर्सन सफर करता है या कोई भी बच्चे के अंदर ये डिजीज है तो उसमें सिम्टम्स क्या क्या होंगे? एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन, डायरिया मीन्स फ्रीक्वेंट लूज मोशन, एज वेल एज डिस्कम्फर्ट मीन्स फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट वहां पर जनरली रहेगा. तो इन सिम्टम्स को अगर हम रिमूव करना चाहें या ये कहें कि इस डिजीज का अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल हो तो किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं? ट्रीटमेंट इज डन बाय टेकिंग एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स. एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स यूज की जा सकती हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर एग्जांपल है एल्बेंडाजोल.
और अगर इस डिजीज को प्रिवेंट करना है तो प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों की जो सॉइल और क्ले ईटिंग की जो हैबिट है उसको चेंज किया जाए, और ताकि बच्चों की बॉडी के अंदर वो एस्केरिस के जो फर्टिलाइज्ड एग है वो एंट्री ना करे। अब बात आती है कि इस सॉइल और क्ले के अंदर वो फर्टिलाइज्ड एग कहां से आए, तो फर्टिलाइज्ड एग की जो एंट्री होती है वो किसी भी पेशेंट का जो पेशेंट फीसिस मींस किसी भी एक ऐसे पर्सन का फीसिस या फिकल मैटर जो ऑलरेडी एस्केरिस से मतलब सफर कर रहा है, तो अगर उसका वेस्ट सॉइल या क्ले के अंदर में गिरेगा, उसके साथ मिक्स होगा, तो उसमें क्या रहेगा कि उसके फिकल मैटर में प्रेजेंट जो फर्टिलाइज्ड एग है वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, और कोई बच्चा अगर उसी क्ले या सॉइल को ईट करता है, उसकी हैबिट है ऐसी, तो उसकी बॉडी के अंदर वो फर्टिलाइज्ड एग एंटर करते हैं। उसके बाद दिस इज ऑल अबाउट द एस्केरिसिस, जिसमें मेन कंपोजिशन क्या है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड इज देयर, दैट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द डिजीज, जनरली अफेक्ट्स द चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज द सॉइल एंड क्ले कंसिस्ट ऑफ द एग्स ऑफ द एस्केरिस। सिम्टम्स, दीज आर द सिम्टम्स, स्मॉल इंटेस्टाइन मेन अफेक्टिंग ऑर्गन है। देन ट्रीटमेंट, एंटी हेलमिंथिक ड्रग और एल्बेंडाजोल से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट वी आर टेकिंग दिस सेकेंड डिजीज इन द हेलमिंथिक डिसऑर्डर इज फाइलेरियासिस। दिस फाइलेरियासिस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस, नोन एज द एलिफेंटियासिस। जनरली ये डिजीज काफी डिफरेंट टाइप्स के जो वर्म्स हैं उनसे होती है, लेकिन इंडिया में सिर्फ दो डिफरेंट राउंड वर्म्स से इस डिजीज को नोटिस किया गया है। तो इसके जो कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज इज व्यूचेरिया बैंक्रोफ्टी एंड सेकेंड इज व्यूचेरिया मेलाई। दीज आर टू स्पीशीज ऑफ द फाइलेरियल वर्म विच कॉज द फाइलेरिसिस और वी कैन से एलिफेंटियासिस डिजीज इन ह्यूमन्स। नाउ द अफेक्टेड ऑर्गन, कौन से बॉडी ऑर्गन पर अफेक्ट करती है? अफेक्टेड ऑर्गन दे जनरली अफेक्ट द स्क्रोटम एंड लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब और स्क्रोटम को अफेक्ट करती है, एंड दिस स्क्रोटम इज प्रेजेंट इन मेल। मेल में टेस्टिस के को प्रोटेक्शन देने का या उसे एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रोवाइड करने का जो बैग होता है, दैट इज नोन एज द स्क्रोटम। और लोअर लिम्ब के अंदर जनरली इसका इन्फेक्शन होता है, उसके ऊपर हमें इसके सिम्टम्स नजर आते हैं। एंड बेसिकली इट अफेक्ट्स अवर लिम्फैटिक सिस्टम, और अपने लिम्फैटिक सिस्टम में ये लिम्फ नोड्स पर इफेक्ट डालती है, लिम्फ नोड्स पर। नाउ हाउ इट ट्रांसफर टू द बॉडी ऑफ अ पर्सन, दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है। एंड दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो से इस डिजीज का ट्रांसमिशन होता है, और कौन सा क्यूलेक्स मॉस्किटो होगा? ऑलवेज फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो बाइट कॉज द डिजीज। और इस डिजीज का जो ट्रांसफर हुआ वो किसी भी अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो गया। अब जो इसमें सिम्टम्स नजर आएंगे वो सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स में स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम्ब एंड स्क्रोटम। लोअर लिम्ब और स्क्रोटम में स्वेलिंग हो जाएगी, और मेन फीचर जैसा कि हमने इसे नाम दिया एलिफेंटियासिस, तो क्या होता है कि लोअर लिम्ब साइज रिप्रेजेंट सिमिलर टू लेग ऑफ
एलिफेंट, एलिफेंट की लेग के बराबर उसका साइज नजर आता है, उसके लोअर लिंब का साइज नजर आ रहा है, तो इसलिए इस डिजीज को क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस। अदरवाइज इस डिजीज को हम फाइलेरियासिस डिजीज कहते हैं, बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय द फाइलेरियल वर्म। फाइलेरियल वर्म, फाइलेरियल वर्म से ये डिजीज ट्रांसफर होती है। और इसकी दो स्पीशीज हैं जो इंडिया में नोटिस की गई हैं, दैट इज विजेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड विजेरिया मलाई। नाउ नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट, हाउ वी कैन ट्रीट दिस डिजीज। ट्रीटमेंट, अगेन इट इज अ काइंड ऑफ द वर्म, सो वी कैन टेक द एंटी हेलमिंथिक ड्रग एंड एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ द डिजीज, फर्स्ट दैट इज द एस्केरिसिस एंड सेकेंड फाइलेरियासिस। बोथ ऑफ द डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय टेकिंग दिस एल्बेंडाजोल। एंड इफ वी वॉन्ट टू प्रिवेंट दिस डिजीज टू अफेक्ट ओवर ऑन आवर बॉडी, देन हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। बाइट ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो, जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि इसका ये वेक्टर बोर्न डिजीज है, तो अगर हम वेक्टर्स को ही सर्वाइव ना करने दें, मीन्स मॉस्किटो को किल कर दिया जाए, तो ये डिजीज का जो ट्रांसमिशन है वो वन अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में प्रिवेंट हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेलमिंथिक डिसऑर्डर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फंगल डिसऑर्डर।